नमस्कार दोस्तों, जय जगन्नाथ। मैं हूँ अरुंधति और आप देख रहे हैं गार्डनिंग विद अरुंधति। दोस्तों ये देखिए, मेरे क्रिसेंथेमम के ऊपर सारे बहुत सारे बर्ड्स आ चुके हैं और मैंने पिछली बार एक लिक्विड फर्टिलाइज़र ऐड किया था और आज मैं और एक लिक्विड फर्टिलाइज़र ऐड करने वाली हूँ और तो वही शेयर कर रही हूँ। देखिए दोस्तों, सेवंती का जो फ्लावर है ये 3-4 महीने के लिए भर भर के फूल देंगे, तो इनकी अगर थोड़ी सी हम केयर कर लेते हैं तो बहुत अच्छी तरह से ये फूल देते हैं। ये देखिए बहुत सारे बर्ड्स निकले हुए हैं, तो इनमें मैं अभी दे दूंगी, खाद दे दूंगी। ये देखिए, ये हल्की सी नमी है इनमें और ये मिट्टी बिल्कुल सूख गई है, तो अभी अच्छी टाइम है कि लिक्विड खाद हम अप्लाई कर लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये लिक्विड खाद है, मैंने इतने तैयार करके रख ली है और ये है इतने बर्मी कंपोस्ट और नीम खली और थोड़ी सी सरसों की खली और एप्सम सॉल्ट और थोड़ी सी डाली है सीवीड एक्सट्रैक्ट और दी है मैंने इनमें बोन मिल दी है, ये देखिए। और बस थोड़ा थोड़ा ही देना है पानी में मिलाकर अच्छी तरह से। ये देखिए, पतला इतनी पतले होनी चाहिए, अगर ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा तो फिर इतने पौधे के लिए नुकसानदेह हो सकता है। ये देखिए, इनमें मैं थोड़ी थोड़ी ही दूंगी, मतलब कि 200 ml यानी कि एक ग्लास के करीब, क्योंकि नीचे से पानी निकलना नहीं चाहिए, मतलब कि हमारा फर्टिलाइज़र का नुकसान नहीं होना चाहिए। ये देखिए, क्योंकि हम लोग पहले से ही पोरोस मिट्टी बनाते हैं तो पानी रुकता नहीं है, इसलिए हम थोड़े थोड़े ही देंगे ताकि जितनी पौधों को चाहिए उतनी ही देंगे, ताकि हमारा फर्टिलाइज़र ख़त्म ना हो, ख़राब ना हो और प्लांट्स को भी ये मिल पाए। ये देखिए, तो ऐसे करके मैं सारे प्लांट पे दे दूँगी और शाम हो चली है, अभी वीडियो को हम रखते हैं यहीं पर। और अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन के साथ, ताकि मेरी हर आने वाले नई वीडियो आप तक पहुंच सके। फिर किसी नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जगन्नाथ।